गुड मॉर्निंग एवरीवन। इसके पहले के 8 वीडियोस में मैंने 8 अलग अलग बुक रिकमेंड किए थे। सबसे पहला बुक रिकमेंड किया था फाइनेंस रिलेटेड, वो था रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। सेकंड बुक रिकमेंड किया था मैंने प्रिंसिपल्स बाय रे डैलियो। तीसरा बुक रिकमेंड किया था सक्सेस सिस्टम दैट नेवर फेल्स बाय विलियम स्टोन। फोर्थ बुक रिकमेंड किया था वो था अनलॉक इट बाय डेन लॉक। फिफ्थ बुक रिकमेंड किया था पुअर चार्ली अलमॉक बाय चार्ली मुंगर। सिक्स्थ बुक रिकमेंड किया था द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बाय जॉर्ज कार्लसन। सेवेंथ बुक रिकमेंड किया था आपको द लिटिल बुक ऑफ कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन बुगल। एथ बुक रिकमेंड किया था वो था हाउ टू बी रिच बाय जे पॉल गेटी। आज जो मैं आपको बुक रिकमेंड कर रहा हूँ वो है लाते फैक्टर बाय डेविड बैक एंड जॉन डेविड मैन। ये एक ऐसा बुक है जो अगर आप एज ग्रुप में 40s के आसपास है तो एग्जैक्टली उस लेवल पे उस एज में फाइनेंशियल फ्रीडम को कैसे अचीव करना है वो पूरा डिटेल में इस बुक में दिया गया है। बहुत ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हैं और साथ ही में ऐसे टैक्टिक्स दिए हैं, ऐसे आइडियाज़ दिए हैं जो इमीडिएटली आप अप्लाई कर सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। तो ये बुक मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा अगर आप 40s के आसपास है और अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम समझना है और उसको हासिल करना है तो ये बुक को एग्जैक्टली पढ़िए और समझिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम पहले क्या है और उसके बाद उसके जो टैक्टिक्स है, उसके जो आइडियाज़ है उसको अप्लाई कीजिए। इस बुक का डिटेल वीडियो आपको कुछ ही दिनों पे मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आने वाले वीडियोस में और एक ऐसे बुक रिकमेंड करूँगा जो जिससे आपका फाइनेंस और बेहतर हो सके। थैंक यू।